बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे हैं पीएचपी एडवांस और पीएचपी एडवांस के अंदर लारावेल। तो लारावेल के अंदर हम एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम, और उसके अंदर हम माइग्रेशंस बना रहे थे। और अभी तक हम कंपनी, प्रोजेक्ट एंड टास्क नाम की माइग्रेशंस बना चुके हैं। ऐसे अब मुझे एक और माइग्रेशन बनानी है जो कि विद द नेम ऑफ कमेंट्स बनानी है, विद द नेम ऑफ कमेंट्स। ठीक है, अब कमेंट्स नाम की मैं एक माइग्रेशन क्रिएट कर रहा हूं। यहां पे इसको इंटर करते ही मेरे पास कमेंट्स नाम की यहां पे एक माइग्रेशन क्रिएट हो गई। ठीक है, मैं यहां पे अब मेरे पास कमेंट में क्या होगा, जो कॉलम्स बनेंगे वो मेरे पास बनेंगे, एक तो डायरेक्ट बॉडी नाम का बनेगा, सॉरी इसको तो लॉन्ग टेक्स्ट करना। ठीक है, लॉन्ग टेक्स्ट से मुराद टेक्स्ट अनलिमिटेड, जितना भी यानी कि आप टेक्स्ट, क्योंकि कमेंट में आई डोंट नो कितनी लेंथ आएगी, कमेंट में पता नहीं है ना मेरे पास कि मेरे पास कितनी लेंथ आएगी, तो इस वजह से कमेंट को थोड़ा सा रखेंगे, जबकि वो कॉलम किस नाम से, बॉडी नाम से। ठीक है, क्लियर। उसके बाद ये मेरी टेबल, उसके लिए उसके बाद अब मैंने क्या करना है, यानी कि इंटीजर विथ यानी कि यूजर आईडी। ठीक है, और इस यूजर आईडी को मैंने क्या करना है, अनसाइंड भी करना है। ठीक है, क्योंकि ये क्या होगा मेरे पास फॉरेन के लिए यूज भी होगा। ठीक है, मगर उसके अलावा यहाँ पे दो और कॉलम्स आएंगे जिसको हम नॉर्मली क्या कहते हैं, पॉलीमॉर्फिक रिलेशंस कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉलीमॉर्फिक रिलेशंस कहते हैं हम अपने पास जनरली डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, laravel.com के अंदर आ जाता हूँ यहाँ पे, ये जब तक लोड कर ले। ओके, तो हम पॉलीमॉर्फिक रिलेशंस की बात कर रहे थे, एंड पॉलीमॉर्फिक रिलेशंस के बारे में आपको जो चीज मिलेगी वो मिलेगी एलिमेंट्स के अंदर, यहाँ पर रिलेशनशिप नाम का एक मेन्यू, इसके अंदर जब आप आएंगे रिलेशनशिप के अंदर, तो यहाँ पे आपको ये देखें लिखा है पॉलीमॉर्फिक रिलेशंस, डायरेक्ट यहीं पे अगर क्लिक करेंगे तो ये वहां ले जाएगा, पॉलीमॉर्फिक रिलेशंस के बारे में आपको बताएगा कि क्या चीज है। देखिए, ये पहले मैं अपनी तरफ से भी दोबारा समझाता हूँ, ये असल में है क्या कि भाई फॉर सपोज यहाँ पे कमेंट हो रहा है मेरे पास, फॉर सपोज कि यहाँ पे मेरे पास कमेंट हो रहा है। अब कमेंट किस किस पे हो सकता है, कमेंट मेरा प्रोजेक्ट पे भी हो सकता है, टास्क पे भी हो सकता है, ऐसे प्रोजेक्ट मेरा कमेंट पर भी हो सकता है और टास्क पर भी हो सकता है। कैसे पता चले यहां पे मैं किस तरह से, यानी कि ये देखूं कि भाई ये कमेंट जो है ये प्रोजेक्ट का है या टास्क का है, क्योंकि अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जो कमेंट हो रहा है वो प्रोजेक्ट नंबर वन पे हो रहा है, और जो अगेन बाद में कमेंट हो रहा है वो टास्क नंबर वन पे हो रहा है, दोनों की प्राइमरी की वन है, प्रोजेक्ट की भी टास्क की भी, मैं कैसे डिफरेंशिएट करूंगा कि ये जो कमेंट हुआ ये टास्क वाली प्राइमरी की का है, वन जो नंबर है ये टास्क का प्राइमरी की है, फॉरेन की है, या प्रोजेक्ट का यानी कि फॉरेन की आ रहा है। परेशान हो जाऊंगा, या तो मैं यहाँ पे दो दो कॉलम्स बना लूं, फिर एक कभी खाली रहे एक भरा रहे, अजीब हो जाएगा ये भी। ठीक है, तो इस चीज को हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, और ये सॉल्व होगी पॉलीमॉर्फिक रिलेशंस की मदद। यहाँ पे भी इन्होंने जो एग्जांपल दिया ना वो लाइक अ पोस्ट एंड वीडियोस का दिया है, फॉर सपोज कि आई हैव अ ब्लॉग और इस ब्लॉग के अंदर मैं पोस्टिंग कर रहा हूँ और वीडियोस भी अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैं परेशान हो जाऊंगा कि जो कमेंट हो रहा है वो पोस्ट पर हो रहा है या वीडियोस पे हो रहा है, क्योंकि दोनों की प्राइमरी की वन है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो उनका इन्होंने क्या हल दे दिया हमें कि आप क्या करो, कॉलम्स दो बनाओ, बिल्कुल कॉलम्स दो ही बनाओ, एक के अंदर आपकी प्राइमरी की जाएगी यानी फॉरेन की जाएगी, दूसरे के अंदर टेबल का नाम जाएगा कि ये फॉरेन की कौन सी टेबल की, उससे हमें इजीली पता चल जाएगा। तो हम वही काम करेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे वही काम करेंगे कि मैं यहाँ पे एक कॉलम बनाऊंगा जो कि इंटीजर टाइप होगा, इंटीजर टाइप कॉलम होगा जिसको मैं नाम क्या दूंगा, कमेंट टेबल आईडी, यहां पे भी इन्होंने यही नाम बताया था। ठीक है, कमेंटेबल आईडी के नाम से मैं एक कॉलम बनाऊंगा, इसी तरह से मैं एक दूसरा कॉलम बनाऊंगा विद द स्ट्रिंग,
क्योंकि इसमें कमेंट का टेबल का नाम जाएगा, ठीक है, और उसमें मैं कॉलम का नाम क्या रख देता हूँ, कमेंट टेबल टाइप, ठीक है। मैंने दो कॉलम्स बना लिए भाई, फॉर सपोज कि अगर वीडियो पे कमेंट हो रहा है, सॉरी आई थिंक मींस के प्रोजेक्ट पे कमेंट हो रहा है, तो भाई यहाँ पे उसकी प्रोजेक्ट की आईडी आ जाएगी, यहाँ पे टेबल का नाम यानी कि प्रोजेक्ट नाम लिखा हुआ होगा, जैसे पता चल जाएगा कि ये जो कमेंट है ये प्रोजेक्ट का है, और अगर टास्क का होगा तो यहाँ पे टास्क की आईडी चल जाएगी, यहाँ पे नाम चला जाएगा कि भाई टास्क का कमेंट, ठीक है। हम कुछ इस तरह से इस चीज को सेट कर लेंगे इजीली, ठीक है। एंड कौन सा यूजर कर रहा है तो वो भी यहाँ से हमारा सेट हो ही गया, ठीक है। इसको मैंने थोड़ा सा फॉरेन भी करना है, टेबल फॉरेन की मेरा यूजर आईडी कॉलम रेफरेंसेस आईडी कॉलम के ऑन कौन सी टेबल, यानी कि यूजर्स नाम की टेबल, ठीक है। कहाँ गलती की मैंने, टेबल है, अच्छा सॉरी मैंने फॉरेन को ये दे दिया, ठीक है, ये फंक्शन नेम है, ठीक है, क्लियर है। मैंने ऑब्जेक्ट ऑपरेटर असाइन कर दिया था फॉरेन को, ठीक है। तो इस तरह से ये चीज मेरे पास यानी कि ये लिंक भी हो गई, ठीक है। ये कॉलम यानी कि यूजर आईडी वाला कॉलम ऑटोमेटिकली मेरा लिंक हो चुका है यूजर्स नाम के टेबल से, पता चल रहा है कि ये कॉलम इस कॉलम में असल में प्राइमरी की जाएगी यूजर्स टेबल की, जो कि यहाँ पे फॉरेन बन जाएगी ये, ठीक है। ये भी मेरे पास इजी हो गया, ये चीज हम कल वाले लेक्चर के अंदर पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे अगेन एक नजर देख लेते हैं, हाँ प्रोजेक्ट के अंदर एक कॉलम मुझे और ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पे प्रोजेक्ट के अंदर एक कॉलम और ऐड करना पड़ेगा, जो कि मैं इंटीजर टाइप रखूं, डेज के नाम से, किस नाम से, क्योंकि प्रोजेक्ट की भी तो देखा जा सकता है ना कि प्रोजेक्ट कितने दिनों का है, प्रोजेक्ट कितने दिनों का है। सेम साथ टास्क के अंदर भी ये चीज हमने रखी थी कि टास्क कितने दिनों का है या आवर्स का है, ठीक है, क्लियर। मगर इसमें एक और चीज भी यानी कि हमने यहाँ पे सेट करनी है, कंपनी वाले में भी आ जाते हैं, ठीक है, कि हमारे पास अक्सर होता है वहां पे हम प्राइमरी की का जो जब कॉलम बनाते हैं पीएचपी माइएडमिन के अंदर जनरल क्यूरी की मदद से, हम उसको क्या रखते हैं, नॉट नल, क्योंकि प्राइमरी की तो बाय डिफॉल्ट नॉट नल ही होती है। यहां पर भी इस वक्त ये तमाम के तमाम कॉलम्स नॉट नल है, यानी कि इनमें डेटा हर हाल में जाना चाहिए। पर अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कंपनी क्रिएट कर रहा हूं मगर विदाउट डिस्क्रिप्शन, भाई कंपनी का नेम तो होगा मुझे पता है, ये तो मस्ट है, ये तो वैसे ही मस्ट होना चाहिए, जब भी कोई बंदा क्रिएट करेगा कंपनी तो कंपनी का नाम तो देगा, पर अगर डिस्क्रिप्शन नहीं दे रहा तो डिस्क्रिप्शन वाला कॉलम मेरा खाली रह सकता है, ये फंक्शन असाइन कर देना होता है, ठीक है, कि भाई ये खाली रह सकता है हमारा कॉलम, ठीक है। जबकि भाई यूजर आईडी तो हर हाल में जाएगी तो इसको तो नलेबल करेंगे नहीं। प्रोजेक्ट के अंदर भी हमारे पास डिस्क्रिप्शन को हम क्या कर देंगे, नलेबल कर देंगे, ठीक है, एंड डेज को भी कर देंगे। हो सकता है डेज में ना भी दूं, वैसे ही प्रोजेक्ट में क्रिएट कर रहा हूं डेज नहीं दे रहा, क्योंकि आई डोंट नो कि ये एक यानी कि लाइफ बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है किसी कंपनी का, कितने दिन तक भी चल सकता है, डेली बेसिस में इसमें चेंजेस हो रही है वगैरह वगैरह, तो फिर बंदा वाले उसमें डेज ना भी दे, ठीक है, भाई डेज भी मैंने नलेबल कर दिया, ठीक है। अदरवाइज ये फॉरेन कीज तो जाएंगी वैसे हर हाल में, तो इनको तो हम नलेबल कर नहीं सकते, ठीक है। इसी तरह टास्क के अंदर आ जाते हैं, टास्क के अंदर भी डेज और आवर्स भाई बंदा अगर ना दे फॉर सपोज तो ये भी नलेबल रख सकते हैं, ठीक है। बंदे से मुराद यानी कि प्रोजेक्ट मैनेजर जो टास्क असाइन करेगा, ठीक है, ये मेरी वर्डिंग अक्सर ऐसे हो जाती है भाई, क्लियर है। इसी तरह से देन हमारे पास कमेंट्स के अंदर कौन सी चीज यानी कि नलेबल आएगी, फिलहाल इनमें से तो कोई भी चीज नहीं आएगी, इनमें से तो फिलहाल कोई भी चीज नहीं होगी मेरी नलेबल। पर क्यों ना मैं एक कॉलम यहां पे बढ़ा दूं, सोच रहा हूं मैं,
स्ट्रिंग कर देता हूं, स्ट्रिंग। ये यूआरएल नाम से मैं जो कॉलम बना रहा हूं, फॉर सपोज अगर मैं मेरे यानी कि मैंने किसी को टास्क दिया है और वही यूजर बाद में कमेंट में उसी टास्क के नीचे लिख रहा है कि भाई आई हैव कंप्लीटेड दिस टास्क, तो वो कमेंट के साथ साथ वहां पे यूआरएल भी पोस्ट कर दे कि भाई फला यूआरएल पे ये चीज लाइव है, देख ले, ताकि प्रोजेक्ट मैनेजर खुद ही जाके देख ले कि हाँ वाकई ये प्रोजेक्ट लाइव हो चुका है, इसने अपना टास्क बना लिया। ठीक है, तो ये भी नलेबल रह सकता है। क्लियर, ये चीजें हमने बना रही। इसमें अब इस चीज में सबसे इंपॉर्टेंट क्या, कौन सी चीज थी हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट इसमें अगर कोई चीज थी तो वो ये थी कमेंट के अंदर पॉलीमॉर्फिक रिलेशंस। ठीक है, अब कल हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर यानी कि हम दो टेबल्स और भी बनाएंगे, दो टेबल्स और भी बनाएंगे जो कि टेबल्स हमारी ब्रिज टेबल्स कहलाएंगी या फिर उनको जंक्शन टेबल भी कहा जाता है। ठीक है, यानी कि वो टेबल क्या करेगी, दो टेबल्स के बीच में कनेक्टिविटी के काम करेंगी, मगर वो टेबल्स किसके लिए होंगी वो मैं कल वाले लेक्चर में आप लोगों को बताऊंगा। वो असल में कहलाते क्या है, मेनी टू मेनी रिलेशंस कहलाते हैं। वो हमारे क्या कहलाते हैं, मेनी टू मेनी रिलेशंस कहलाते हैं। इंशाल्लाह आपके इस प्रोजेक्ट के अंदर यानी कि देखें आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी काफी हद तक क्लियर हो रहा है, रिलेशंस यूज हो रहे हैं, मेनी टू मेनी रिलेशंस, वन टू मेनी रिलेशंस, ठीक है, ये सारे आपके क्लियर होंगे। इंशाल्लाह आगे मॉड्यूल्स के अंदर तो और ज्यादा क्लियर होंगे, क्योंकि मॉड्यूल में ये सारी चीजें मुझे बनानी पड़ेगी खुद से, जब मॉड्यूल्स बनाएंगे ना उसमें बताना पड़ेगा कि भाई अक्सर जो जॉइंट्स लगाएंगे वहां पे यही बताना पड़ेगा कि भाई मेनी टू मेनी वाली कनेक्टिविटी हो रही है या वन टू वन वाली कनेक्टिविटी हो रही है या वन टू मेनी हो रही है। ठीक है, ये एंटिटीज होती हैं। ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर अक्सर हमारे पास कंप्यूटर साइंस आईटी या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ये चीजें पढ़ाई जाती हैं। तो भाई क्लियर है यहाँ तक, कोई क्वेश्चन, कोई कन्फ्यूजन किसी भी किस्म का पक्का है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।